जैस्मिन के इविक्शन के बाद ऐसा क्या हुआ कि रुबीना द लायक ने लगा दी फटकार किसको? अभिनव शुक्ला को। चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं ठाकुर, स्वागत करती हूं आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। पर आपको बता दूं कि जैस्मिन के इविक्ट हो जाने के बाद में अभिनव शुक्ला काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे। इनफैक्ट एली से भी ज्यादा अगर कोई इमोशनल था तो वो थे अभिनव शुक्ला। जी हाँ, तो अभिनव शुक्ला के मुंह से एकदम इमोशनल होकर बात निकल गई तो शायद से नहीं निकलनी चाहिए, वो ये कि अब उनको लगता है कि उनका गेम भी खत्म हो चुका है और उन्हें भी वापस चले जाना चाहिए। जी हाँ, उन्होंने यहाँ पर अभिनव शुक्ला ने इमोशनल होकर मतलब ये बात रुबीना के सामने कहती, जिस बात पर रुबीना को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। रुबीना कहती है, मैं मानती हूँ कि जैस्मिन तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि गेम खत्म हो चुका है, तुम्हें गेम में अब आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से फिर बाद में जब अभिनव को भी ये बात समझ में आती है और अभिनव इस बात को मानते हैं और अपने वर्ड्स को बैक लेते हैं, यहाँ पर आपको याद दिला दूं, एक बार निकी ने भी इस बात को कहा था कि मैंने आप में और अभिनव में, यानी कि रुबीना और अभिनव में ये चीज कभी नहीं देखी कि आप दोनों में से कोई एक दूसरा चला जाए तो आप ये बोलो कि आप भी शो छोड़ के जाओगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं निकी की वो बात जो थी वो ट्रायंगल से होती हुई निकलती चली गई कि अभिनव शुक्ला ने कह डाली यही बात किसके लिए, जैस्मिन भसीन के लिए। खैर, दोस्ती बहुत अच्छी है हम मान सकते हैं, लेकिन अभिनव शुक्ला को गेम तो खेलना ही पड़ेगा। ऐसे में आप लोगों को क्या है कहना, क्या है लगता, कमेंट सेक्शन में राय जरूर बताएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।